Hi everyone, I hope you all are well. So in this video, I will discuss with you unit 2, important long questions. So इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एग्जाम एंड सिलेबस पैटर्न की वीडियो बनाई थी. अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लो ताकि आपको ये पता लग जाए कि यूनिट वाइज आपने कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करना है, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. सो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि वो एक पर्पस अचीव कर पाएं, जो भी उनका गोल होगा. इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटीरियल एंड मनी फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन की स्किल्स हैं और जो मटीरियल है, मनी है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव कर पाएं. और ऑर्गेनाइजेशन आप ये कह सकते हो पहला स्टेप होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का. ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अच्छे से काम करेंगी तभी उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा. नाउ मीनिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं ताकि वो लोग एक कॉमन गोल जो है उसको अटेन कर पाए. ये जो कोऑर्डिनेशन है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी वर्क जो है वो डिवाइडेड है. और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, मीन्स सबसे पहले जो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी उसकी हायरार्की, यानी पावर सबसे ज़्यादा, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम. तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वर्क है, वो डिवाइड किया हुआ है. और पावर जो होती है वो भी डिवाइड है ताकि ऊपर कोई भी टॉप मोस्ट सुपीरियर पर्सन है वो नीचे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे पाए काम करने के लिए. डेफिनेशन, सबसे ईजी डेफिनेशन जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है. आपने कोई और लर्न करनी है आप वो भी कर सकते हो, बट इट इज़ कंपल्सरी कि आपने इस पैटर्न से ही करना होता है. आपको दो डेफिनेशंस तो लिखनी पड़ेंगी इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड. So first definition है, according to Chester Barnard, organization is a system of consciously coordinated activity forces of two or more persons. कि एक ऐसी system है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो कॉन्शियस हैं कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और हमें एक गोल जो है वो अचीव करना है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू मोने एंड रिले, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस. सो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक कॉमन पर्पस जो है उसको कंप्लीट कर पाए. सिंगल पर्सन कैन नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स. सो अगर आप ग्रुप के मेंबर हो तो आप उसमें अपना जो वर्क है वो अच्छे से करके एफिशिएंटली उस गोल को अटेन कर सकते हो. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स, करेक्टरिस्टिक, फीचर्स, ये सारे सेम ही है, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो. सो यहाँ पे क्या फीचर है, पहला कि कॉमन ऑब्जेक्टिव. जब भी आप मेंबर होगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आप सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही गोल होगा जो आपने पूरा करना है. सेकंड, जितने भी मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छे से कोऑपरेट करेंगे. थर्ड, डायरेक्शन कम फ्रॉम द पर्सन विद अथॉरिटी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी का पावर नहीं होता डिसीजन लेने का, डिसीजन सिर्फ अथॉरिटी एक के हाथ में है. वो वर्क जो है डिवाइड करेगा, वो बताएगा कि कैसे आपने काम करना है. तो अथॉरिटी जो है किसी एक पर्सन के हाथ में होगी. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स सी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, की जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या फीचर्स हैं. सो फर्स्ट है फॉर्मल स्ट्रक्चर. जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसमें काम जो है प्रॉपर फॉर्मल तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा. वेल डिफाइंड जॉब्स होंगे, ईच बेयरिंग डेफिनेट मेजर्स ऑफ अथॉरिटी. हर किसी की अथॉरिटी या पावर पहले से ही डिसाइडेड होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी. आप आंसरेबल होगे अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, यू आर आंसरेबल टू योर सुपीरियर अथॉरिटी. सेकेंड पॉइंट है लीगल स्टेटस. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एट द गवर्नमेंट लेवल रिक्वायर्स इनएक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. तो कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बनाती है. तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसके पास लीगल स्टेटस है, कि यानी कि वो कानूनों द्वारा बनाई गई है. उसको ऐसे ही किसी ने अपना गोल अटेनमेंट के लिए या फिर विश के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है. थर्ड, डिवीजन ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क है उसमें वर्क डिवाइड कर देते हैं. हर पर्सन का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, तो इस तरीके से वो जो टास्क है टाइम पर कंप्लीट हो पाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं. फोर्थ पॉइंट है परमानेंस. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं और टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं, चेंज हो जाती हैं. जैसे अगर सिचुएशन है, मॉडर्न सोसाइटी हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर लेती हैं. तो ये परमानेंट है, जल्दी से ख़त्म नहीं होती. फिफ्थ, रूल्स एंड रेगुलेशन. जो ऑफिसर्स हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
काम करते हैं, ना कि अपने लाइक्स और डिसलाइक की, हमें ये अच्छा लग रहा है इस टाइम पे रूल्स निकाल दो या नहीं, ऐसे वो काम नहीं कर सकते। सिक्स्थ, सेंट्रलाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कि सारी पावर एक पर्सन के हाथ में है और वही डिसाइड कर रहा है कि जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने काम कैसे करना है, यानी पावर एक हाथ में होना उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सो नेक्स्ट है मैरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो मैरिट्स, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस, इस तरीके से भी आप हेडिंग डाल सकते हो। फर्स्ट है कि इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटी पे, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे चूज़ किया जाएगा, ना कि नेपोटिज्म, यानी कि अपनी विश के अकॉर्डिंग कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं इनको अपॉइंट कर लो, एक फॉर्मल तरीके से अपॉइंटमेंट होगी। सेकेंड, इट फॉलोज अ हायरार्की इन विच पीपल आर रिलेटेड इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस, कि वहाँ पर अथॉरिटी में पावर डिवाइडेड होगा, पहले सुपीरियर ऑफिशियल्स आएंगे, फिर उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स आएंगे, टरीज आएंगे, तो इस तरीके से एक ऑर्डर सीक्वेंस होगा। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स बिकम मोर डेमोक्रेटिक, उनको अपने विशेष के, लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, मतलब उनको सोशल जस्टिस, सोसाइटी में इक्वालिटी या फिर इस तरीके से काम करना है, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है। फोर्थ, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, हर किसी को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर पाएंगे। फिफ्थ, वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग अ डिजायर्ड गोल, हर कोई जो है एक दूसरे के साथ काम कर रहा है ताकि वो एक पर्टिकुलर गोल जो है उसको अचीव कर पाए। तो ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग डी मैरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैन इज कंसीडर्ड टू बी अ स्लेव ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हर टाइम जो है उनको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अगर उनके पास कोई इनोवेशन आइडिया है और कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल, कि जिस काम के लिए उनको मनी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, वही वो काम में इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे वो काम। थर्ड, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में स्लो डाउन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि हर वक्त उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको काम करना है, वो टास्क कंप्लीट करना है, अदरवाइज जो उनके रिलेशन है वो बहुत ही फॉर्मल होंगे। ट्रेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेकेंड टाइप है इनफॉर्मल, अब उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक्स, मैरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। सो फर्स्ट है इवॉल्व नेचुरली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये नेचुरली इवॉल्व होती हैं, इसे पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है। सेकेंड, शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसा ही एक्ट करते हैं और उनका कोई कॉमन गोल है जो उनको अचीव करना है, सो इसीलिए ये शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स एक जैसे ही वैल्यूज सिस्टम पे बना होते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, हर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप के अंदर वर्क करना है। सो अगर वो कोई भी वैल्यू सिस्टम का या नॉर्म का वायलेशन करते हैं तो उन्हें उस ग्रुप का प्रेशर देखना पड़ता है, मतलब वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते और उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे। फोर्थ, इट प्रोटेक्ट्स द मेंबर अगेंस्ट एनी प्रेशर, इनजस्टिस और डेंजर। सो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आपको मदद करेगा। कोई भी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, डेंजर हो रहा है, तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगी अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमंस की बहुत सारी नीड्स होती हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो सोशल नीड्स पूरी हो सकती हैं। सेकेंड, डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हर कोई एक दूसरे से बिलोंग करता है, कम्युनिकेट करते हैं वो लोग, तो बेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन भी है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें अंदर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, आप आराम से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। फोर्थ, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी सोसाइटी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं वो सारी की सारी फॉर्मल सिस्टम को ही वर्क करती है, क्योंकि उन पर ही सर्वे करके उनको पता लगता है कि सोसाइटी के अंदर और कितने चेंजेस लेके आने हैं। फिफ्थ, इट रेगुलेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि एक ग्रुप का मेंबर है उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी में वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेगा। सो यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, की बहुत बार र्यूमर्स और गलत इन्फॉर्मेशन जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होती है, क्योंकि इसका भी कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने इसे नहीं बनाया, तो बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है इसमें वर्क करती है। सेकेंड, इट ऑफन हैव टू डील विद द इंटरनल फैक्शन एंड पावर पॉलिटिक्स, की बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पावर में आने के लिए, क्योंकि कोई भी हायरार्की तो नहीं है कि एक पर्सन ये है, इन्होंने वर्क डिवाइड करना है। थर्ड है लैक ऑफ क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। जो इनका अटेनमेंट ऑफ गोल होगा, जिस तरीके से उन्होंने अचीव करना है उस तरीके से उनकी मेंबरशिप होगी, उस तरीके से वो वर्क करेंगे। फोर्थ, रेजिस्टेंस टू चेंज, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते जो इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि उनको जो उनके वैल्यू सिस्टम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो पाते हैं सोसाइटी की अकॉर्डिंग। फिफ्थ, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं नेचर में, कोई भी इतना जो सोसाइटी के लिए
वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो इतनी नहीं करते जितना फॉर्मल करते हैं. तो एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंसेज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन आपने बिल्कुल एज इट इज़ सेम लिखना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम आपने कॉपी करके वही लिखना है. नाउ नेक्स्ट आपका इसके हेडिंग आ जाएगा डिफरेंसेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप डिफरेंसेस लिखोगे आप लाइन लगा कर नहीं करोगे, आप पॉइंट्स में करोगे. इट इज़ अ पैटर्न ऑफ द कॉलेज. अगर आपने उस तरीके से किया तो शायद आपके नंबर कट हो सकते हैं. सो जब भी डिफरेंसेस आए आपने इसी तरीके से करने हैं, कंपेयर करके एक ही लाइन के अंदर. और ये भी ध्यान रखना कि जब आप लाइन्स में लिखोगे डिफरेंसेस तो पहले आप किसी एक को ही फोकस, जैसे फॉर्मल का ही पहले आप लिखो, इनफॉर्मल का बाद में. ऐसे नहीं कि पहले आप फॉर्मल का स्टार्ट कर रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, फिर सेकेंड पॉइंट में पहले इनफॉर्मल का लिख रहे हो फिर फॉर्मल का. तो उस तरीके से भी आप अवॉइड करना, ऐसे नहीं लिखना है. सो फर्स्ट पॉइंट है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसे डेलिब्रेटली यानी कि सोच समझकर पार्लियामेंट के अंदर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली, अगर कोई सोसाइटी के अंदर ज़रूरत है, कोई गोल अचीव करना है उसके लिए वो कभी भी बनाई जा सकती है, तो वो नेचुरली बनाया है इनफॉर्मल. सेकेंड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा प्लान करके पूरा ऑफिशियल तरीके से बनाया गया, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनप्लान्ड है, अनऑफिशियल. पॉइंट, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं. फोर्थ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इनफॉर्मल से, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई इंसान जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, फॉर्मल तरीके से काम करेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर. पॉइंट, जो लीडर्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है, यानी कि वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके पीछे लीगल सैंक्शंस होते हैं, सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे. जो लीडर्स होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास ऐसा कोई भी लीगल फोर्स या पावर नहीं होती है, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग कि उनके ग्रुप के अंदर उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने फेमस है वो, उस अकॉर्डिंग उनके पास पावर होती है. सिक्स पॉइंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, मींस हर किसी का वर्क डिसाइडेड होता है, पावर डिसाइडेड होती है. बट इनफॉर्मल की अगर हम बात करें उसके अंदर स्ट्रक्चरलेस है, किसकी पावर कितनी है, कब कौन मेंबर बनेगा, रूल्स रेगुलेशन, वो सब स्ट्रक्चरलेस होता है, कोई प्रॉपर डेफिनेट रूल नहीं है उसके लिए. सेवन्थ, स्पेसिफाइड एंड वेल डिफाइंड पाथ आर फॉलोड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही तरीके से क्लियर कट ये पता होता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, ऐसे जो ये रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने हैं. बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये अनस्पेसिफाइड होता है और पाथ्स क्लियर नहीं होते, अब जब मर्जी जो है जिस तरीके से मोल्ड कर सकते हो जो भी डिसीजन आपने लेना है. पॉइंट, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क पे, पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं. नाइन्थ पॉइंट, रिवॉर्ड्स और सैंक्शंस जो भी दिए जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो मोनेट्री नेचर के होते हैं, यानी मनी बेस्ड जो होते हैं वो दिए जाते हैं. बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर नॉन मोनेट्री होती है, यानी मनी नहीं दी जाती, उसके अलावा और कुछ वो जो लोग हैं वो दे सकते हैं. टेंथ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लीगल स्टेटस या पावर नहीं होती है. इलेवेंथ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो फ्री होते हैं र्यूमर्स से या फॉल्स न्यूज़ से, उसमें प्रॉपर एक मैसेज या न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट की जाती है जो गवर्नमेंट ने स्टैम्प लगाकर इशू की है. बट र्यूमर्स और फॉल्स न्यूज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में. ट्वेल्थ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है परमानेंट होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेम्प्रेरी नेचर की होती है. थर्टींथ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स है वो क्लियर कट होते हैं, बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि ऐसे ऐसे आपने वर्क करना है, ये इस तरीके से रूल्स हैं. बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी क्लियर कट रूल्स या रेगुलेशन नहीं होते हैं. एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिपार्टमेंट, डिस्कस इट फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देर आर 3 forms ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज डिपार्टमेंटल फॉर्म, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. तो 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है मेनली, डिपार्टमेंटल फॉर्म होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स हैव बीन इवॉल्व टू सूट डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग तरीके से काम करती है ताकि हमारी जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके. मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो होते हैं सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिवीजन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के. डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया में अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, रेलवेज, डिफेंस, पोर्ट्स, ये नेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं. और अगर हम स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंट, फर्स्ट है फाइनेंस्ड बाय एनुअल एप्रोसिएशंस फ्रॉम दी
ट्रेजरी, यानी कि हर साल जो है इसमें फाइनेंस पैसा आता है गवर्नमेंट के टैक्सेस का, जो भी हमारे ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसमें से इनकी एनुअल इनकम जो है वो दी जाती है। सेकंड, परमानेंट स्टाफ होता है, ऐसे नहीं कि उनको चेंज कर दिया जाता है, एक बार अपॉइंट हो गए वो फिक्स्ड होते हैं। थर्ड, लीगल सिस्टम होता है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं कंट्री के लिए। पॉइंट है, सब डिविजन्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि जितने भी डिपार्टमेंट के नीचे सब डिविजन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, सेक्रेटरी से काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट के कहे हुए वर्क और पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट, सो फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आंसरेबल हैं पार्लियामेंट को अगर वो कहीं गलत रूल निकालते हैं या गलत तरीके से काम करते हैं। सेकंड, वेल एस्टैब्लिश्ड विद सेट रूल्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। थर्ड, बेटर कंट्रोल ओवर इट्स फंड्स, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने फंड्स का प्रॉपर जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, उस तरीके से फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, इट इज़ सुटेबल फॉर द रूटीन टाइप ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, कि ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक्टिविटीज़ करनी है तो वो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं कि ये डिपार्टमेंट का जो वर्क है ये वाले डिपार्टमेंट में करेंगे, वाटर डिपार्टमेंट वाटर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से वर्क डिवाइड करके किया जाता है। फिफ्थ, सिविल सर्वेंट्स इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी, कि बहुत जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इट इनेबल इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बहुत अच्छे तरीके से जो डिपार्टमेंट है उसके मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। सेवन्थ, इट लेड्स टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से डिपार्टमेंट जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है सोसाइटी के अंदर। एट्थ, इट इज़ सूटेबल, ये बहुत ही सूटेबल है क्योंकि इसको परमानेंट नेचर कह सकते हैं, हम लोग रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। नाइन्थ, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि ये सारा कुछ जो कर रहे हैं वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जितना इनको दिया हुआ है, तो ये लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो कभी भी क्लैशेज नहीं होते कभी भी ज्यूरिसडिक्शन के साथ या कोर्ट्स के साथ। एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट, सो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, की अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है या एक डिपार्टमेंट के हाथ में है, वो वर्क डिवाइड कर रहा है, तो कभी भी अगर किसी पर्सन के पास कोई इनोवेशन आइडियाज़ हैं या कुछ भी कोई ऐसी स्किल है वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं मिलेगी ऊपर से करने की। सेकेंड, दे डज नॉट परमिट फ्लेक्सीबिलिटी, ये फ्लेक्सीबल नहीं होते, चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, बाहर सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं बट ये बहुत ही तरीके के साथ चेंज हो सकते हैं, अगर इनको चेंज भी होने हैं तो इनको पार्लियामेंट में पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो डिपार्टमेंट में चेंजेस हो पाएंगे, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। थर्ड, देयर इज मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डे टू डे फंक्शनिंग, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है एमएलए एमपी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं डिपार्टमेंट्स में कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है या इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है। फोर्थ, इट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है डिपार्टमेंट में। पॉइंट, इट लेड्स टू रेड टेपिज्म डिले एंड नेपोटिज्म, कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, काम को बहुत डिले किया जाता है और नेपोटिज्म अपने फैमिली मेंबर्स को प्रेफर किया जाता है डिपार्टमेंटल वर्क करते वक्त। सिक्स, इट इज़ स्ट्रिक्टली हायरार्की इन नेचर, कि ये हायरार्की के अकॉर्डिंग होता है कि जिसके पास पहले ज़्यादा पावर है वो डिवाइड करेगा पावर सब में, वो बताएगा कि आपने कैसे काम करना है। एंड में कंक्लूजन, 4 to 5 लाइन्स एंड कंक्लूजन लिखना इस मस्ट, जैसे कि मैं आपको हर लाइन के बाद बोलती हूँ। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, हैव अ नाइस डे।